नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना बीमारी ने अब एक महामारी का रूप ले लिया है और इससे बचाव के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें अपनानी है, जैसे अपना हाथ साफ रखना, कुछ समय के अंतराल पर अपने हाथ को धुलते रहिए। दूसरी चीज, जब भी हम बाहर निकलें तो अपना मुंह ढककर निकलें, चाहे मास्क की सहायता से, चाहे रुमाल से, चाहे गमछे से, किसी भी चीज से आप ढकिए। एक और चीज है कि अगर किसी को खांसी बुखार ऐसी कोई समस्या हो रही है तो वो दूसरों से एक निश्चित दूरी बना ले और डॉक्टर को जरूर दिखाए। तो ये सब तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसके साथ हमें एक छोटी सी चीज और करनी है। वो चीज ये है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 यानी कि इस रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमें बाहर नहीं जाना है, यानी अपने घर वालों के साथ मिलकर समय बिताना है अपने घर में ही। ऐसा क्यों किया गया और रविवार का दिन ही क्यों चुना गया, कई लोगों का ये प्रश्न है। रविवार को अमूमन सभी की छुट्टी होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में रहते हैं और ये जो कोरोना का वायरस है ना, ये 12 घंटे तक एक्टिव रहता है कहीं पर भी छू गया अगर तो। अब ये कहाँ कहाँ पर है हमें नहीं पता, लेकिन अगर जब इसको कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाती है, कोई इंसान का शरीर, तो ये उसमें छू गया और वो दूसरे दूसरे में जाता रहा। लेकिन अब हम सभी अपने घर में हैं और पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ कहीं ये वायरस है तो 12 घंटे में तो इसका काम तमाम हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है और हमारे कर्फ्यू का समय कितना है, 14 घंटे। तो एक तरह से क्या है कि वायरस बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से फैलेगा नहीं और ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना अच्छा उपाय है ना, छोटा और सरल उपाय। तो इसलिए 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का पालन जरूर करिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने देश के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी तरह इस मुहिम में साथ देंगे, क्योंकि जब हम सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी हम इस कोरोना को तोड़ पाएंगे। अंत में एक बात और कहूंगी कि ये मैसेज आप 10 लोगों को और भेजिएगा, जिससे हम सभी की एक चेन जुड़ती जाए और कोरोना की चेन टूट जाए। धन्यवाद। जय हिंद।